पास शब्द नहीं है। आई लव यूपी गवर्नमेंट। चित्रकूट एयरपोर्ट के लिए जो ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है उसके लिए ऐतिहासिक क्षण है कि पहली कमर्शियल फ्लाइट इस पे लैंड हुई। जितनी तारीफ किया जाए उतना कम। हमको व्यक्तिगत लगता है कि अयोध्या से ज्यादा चित्रकूट का विकास होगा आने वाले दिनों में। मैं तो 25 साल से आ रहा हूँ और आज हवाई जहाज से उतरा हूँ पहले, और बहुत ही आनंद और विभूति है मेरे को। आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आई लव यूपी गवर्नमेंट। हवाई यात्रा शुरू हो गई चित्रकूट ले, बिल्कुल आप पहले यात्री बने। कितनी देर का सफर रहा, कैसा व्यू रहा और एक देखते हैं से मात्र एक नहीं नहीं सफर एकदम सॉफ्ट रहा। सॉफ्ट लैंग्विंग लैंडिंग बहुत सॉफ्ट थी, पायलट बहुत अच्छे थे। प्लेन छोटी है, आने वाले समय में इनको बड़ी प्लेन लेके आनी पड़ेगी, ये आप लिख लो कागज पे, ज्यादा दूर नहीं है। बहुत बढ़िया एयरपोर्ट खुल गया, मैंने जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। और सबसे बड़ी चीज भगवान राम की एक कर्म स्थली है, वो तो अयोध्या जन्मस्थली है। और यहाँ जो है हमको व्यक्तिगत लगता है कि अयोध्या से ज्यादा चित्रकूट का विकास होगा आने वाले दिनों में। हवाई चालू होने से कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पे? बहुत फर्क पड़ा। अब लोग चित्रकूट का नाम नहीं जानते थे, बाहर के प्रांतों में चित्रकूट चित्रकूट हम लोग बताना पड़ता था। अब अयोध्या से ज्यादा फेमस हो जाएगा चित्रकूट। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका वर्चुअली लोकार्पण किया गया था, और उसी दिन वैसे आप लोगों को बताया गया था 12 तारीख को लखनऊ से चित्रकूट पहली फ्लाइट यहाँ लैंड हुई है। और मुझे लगता है ये चित्रकूट एयरपोर्ट के लिए जो ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है उसके लिए ऐतिहासिक क्षण है कि पहली कमर्शियल फ्लाइट इस पर लैंड हुई। और यहाँ से चित्रकूट के काफ़ी पैसेंजर्स भी जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो पहले पैसेंजर थे उनको एक बड़ा बोर्डिंग पास देके सम्मान किया उनका, और जो आने वाले पैसेंजर्स थे उनको माला और तिलक से सम्मानित किया है। और मुझे लगता है कि ये बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट पर्यटन और श्रद्धालुओं दोनों के लिए एक वरदान साबित होगा, और यहाँ पे और फ्लाइट्स की संभावना तलाशने के लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।